टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस नेहा पेंडसे ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शार्दुल सिंह से शादी रचाई है, लेकिन जब से उनकी ये शादी हुई है तब से नेहा पेंडसे एक अलग ही बात को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल लोग नेहा के पति के बारे में बातें कर रहे हैं। सब ये बात जानकर हैरान है कि नेहा ने दो बार तलाक लिए हुए इंसान से शादी क्यों की। अब इस बात को लेकर लोग उन्हें और उनके हस्बैंड को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब फाइनली नेहा ने खुद सामने आकर अपने पति पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया है। जी हाँ, नेहा ने खुलासा किया है कि अगर शार्दुल के दो बार तलाक हुए हैं तो वो भी वर्जन नहीं है। जी हाँ, ये बात हाल ही में एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में नेहा ने कही। दरअसल शार्दुल के दो बार तलाक के बारे में जब उनसे पूछा गया तो इस पर नेहा ने बताया, आज के टाइम में काफी शादियाँ टूट जाती हैं। अगर करियर बनाने के चक्कर में शार्दुल की शादी टूट गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे नेहा कहती हैं, अगर शार्दुल के दो बार तलाक हुए हैं तो मैं भी वर्जन नहीं हूँ। दो बार शादी टूटने के बाद भी शार्दुल ने मुझसे शादी की, इस हिम्मत के लिए तो उनकी तारीफ मिलनी चाहिए। हम दोनों ने ही एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में पहले ही बता दिया था। हमने एक दूसरे से इस बारे में काफी बातें भी की हैं। आगे शार्दुल के बारे में बात करते हुए नेहा ने कहा, शार्दुल की पहली शादी 10 साल पहले टूटी थी और उनकी दूसरी शादी 5 साल पहले खत्म हुई है। भले ही शार्दुल की शादी न टिक पाई हो, लेकिन वो एक अच्छे पिता हैं। वाला आपको बता दें कि नेहा पेंडसे ने 5 जनवरी को शार्दुल के साथ पूरे मराठी रीति रिवाज से शादी रचाई थी, लेकिन अपनी शादी की बात को आखिर तक नेहा ने सीक्रेट ही रखा। मगर जैसे ही नेहा शार्दुल सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गई, तो उन्हें और उनके हस्बैंड से जुड़ी कई बातें मीडिया के सामने आईं, और उन्हीं में से एक बात यही थी कि शार्दुल दो बार तलाक ले चुके हैं। ऐसे में नेहा के फैंस इस बात को जानकर चौंक गए थे कि नेहा ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हैं जिसने दो बार पहले ही तलाक लिया हो। मगर अब नेहा के स्टेटमेंट से साफ है कि वो शार्दुल की सारी कमियों को जानते हुए उन्हें पूरी तरह से अपने हस्बैंड के रूप में अपना चुकी हैं। तो इस मुद्दे पर अब क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।